कोरिया जिले के कुरासिया माइंस में कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के बावजूद एसएससीएल ने भारी मात्रा में कोयले का ऑक्शन कर दिया है, लेकिन डीओ होल्डरों को समय पर कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिससे डीओ होल्डरों में भारी आक्रोश है। प्रदेश के कोरिया जिले में एसएससीएल ने कुरासिया माइंस में 20,000 टन कोयले का ऑक्शन किया है, जिसे 21 डीओ होल्डरों को देना है, लेकिन कुरासिया माइंस में ना तो इतना कोयला स्टॉक में है और ना ही प्रतिदिन इतना प्रोडक्शन हो पा रहा है कि डीओ होल्डरों को निर्धारित कोयला दिया जा सके, जिसका नतीजा यह है कि हफ्तों तक ट्रक माइंस में खड़े रहने के बाद भी बड़ी मुश्किलों से लोड हो पा रही है। इस विषय में जब हमने डीओ होल्डर दीपक सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि समय पर कोयला नहीं मिलने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गाड़ियों का हॉल्टिंग चार्ज के साथ ही ड्राइवरों के खाने पीने व रहने के लिए अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है। माइंस में कोयला न होने के कारण आज 13 तारीख से गाड़ियां मेरी अंदर हैं, अभी भी नहीं भर पाई, आज 17 तारीख हो गई है। कितना नुकसान हो रहा है इससे आपका? बहुत नुकसान हो, गाड़ी वाले को हॉल्टिंग देना पड़ रहा है, डेली हमको खुराकी देना पड़ रहा, माल डूब रहा अलग से का नाम है और एमडी अलग से कटेगी सर। डीओ होल्डर सुमित सिंह का कहना है कि एसएसएल उन्हें गुमराह कर रहा है। अधिकारी कहते हैं कि कोयला मिलेगा, लेकिन ना तो कोयला मिलता है और ना ही टोकन लिया जाता है। ये कि कोयला देने के लिए कोई अधिकारी बोलता नहीं है, बोलते हैं सब यही कि कोयला मिलेगा मिलेगा और कोयला आता नहीं है। एसएसएल प्रबंधन के द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आज आपको कोयला दिया जाएगा, आज आपका टोकन पुल लिया जाएगा, ना तो टोकन पुल लिया जाता है ना कोयला दिया जाता है, सिर्फ घुमाया जा रहा है। जियो होल्डर प्रमोद पांडे ने बताया कि एसएसएल के पास कागज में 500 टन कोयला है, लेकिन हकीकत में बड़ी मुश्किल से एक दिन में 4-5 गाड़ियां लोड होकर निकल पा रही हैं। 20 टन का ऑफर दिए है खदान में, पेन कागज में 500 टन दिखाते हैं, रेजिंग है, 6 गाड़ी निकलता है, उससे ज्यादा गाड़ी नहीं निकलता है, इनका कोयला कहाँ जाता है 5 टन पता नहीं है। जब हमने कोयला लोड कराने वाले गार्ड पुरुषोत्तम से इस संबंध में बात की तो उसने कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। वही एसएसएल चिरमिरी के सेल्स मैनेजर सीके शिंदे ने माना कि समस्या है, लेकिन इसे जल्द ठीक कर लेने का दावा किया। उसको कारण कैसे बता सकते हो, कोयला आ रहा है, जैसे कोयला आ रहा है उसे लोड दे रहे हैं, जो स्टॉक था वो करीब करीब खत्म हो गया ना के बराबर, और जो प्रोडक्शन चल रहा है वो प्रोडक्शन पूरा उनको दिया जा रहा है। प्रोडक्शन कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है, कभी ब्रेकडाउन हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम आ गया, उसके हिसाब से वहाँ पे उनको मिल रहा है। ऑक्शन के कोयले के उठाव को लेकर कोरबा के मानिकपुर खदान में भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी। इससे नाराज एजेंटों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सवाल ये है कि जब प्रबंधन के पास कोयला नहीं है तो फिर पर्याप्त स्टॉक होने का दावा क्यों किया जा रहा है। ब्रांड एसएन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।